नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। दोस्तों, न्यायप्रिय देवता शनिदेव का जन्म उत्सव हर साल ज्येष्ठ अमावस्या पर मनाया जाता है। दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या कब लग रहा है तो इस वर्ष 2023 में 19 मई को ज्येष्ठ है। इसे हम सब शनि जयंती के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस साल शनि जयंती पर 3 शुभ योग का निर्माण हो रहे हैं, जैसे कि गज केसरी, राजयोग, शास्त्राज योग, शोभा नियोग। और दोस्तों, एक और अच्छी खास बात ये है कि इस दिन शनिदेव अपनी कुंभ राशि में ही बैठे होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शनिवार के दिन, शनि जयंती के दिन क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आए, खरीद करके लाना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप अभी शनिदेव को दिल से मांगते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। कमेंट बॉक्स में जय शनि देव जरूर लिखना। शनि महाराज आपके सारे कष्टों को, दुख को हरेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों कि शनि जी महाराज न्याय पिंड देवता है, अर्थात ये सबके साथ में न्याय करते हैं, कभी किसी के साथ में न्याय नहीं होने देता। दूसरी बात कि शनि देव महाराज अगर आपके शत्रु आपके परेशान कर रहे हैं तो ये आपके शत्रु को भी दंड दिलाते हैं। और तीसरी बात, शनि महाराज अगर आप कठिन मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम के अकॉर्डिंग जितना फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे, तो शनि महाराज की पूजा करने से शनि जयंती के दिन वो फल मिलना आपको शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, शनि जयंती पर कुछ ऐसी चीज है जिससे शनि महाराज को करने से, चढ़ाने से शनि महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो साधक शनि महाराज को प्रसन्न करने, ऐसे व्यक्ति पर शनि महाराज अपना सब कुछ निछावर कर देता है। बड़े देवी देवता भी शनि महाराज की पूजा करते हैं, इंद्रता के जो शनि महाराज की पूजा करते हैं, क्योंकि शनि की कुदृष्टि से सब बचना चाहता है। अगर शनि की कुदृष्टि किसी ऊपर में पड़ जाए तो समझ जाइए उस व्यक्ति की सत्यानाश निश्चित है। और शनि महाराज की दृष्टि जिस साधक पर पड़ जाए तो रंग व्यक्ति भी राजा बन जाते हैं। रंग को राजा बनते देरी नहीं लगती, और कुदृष्टि पड़े तो राजा को भी रंग बनते देरी नहीं लगती। तो दोस्तों, शनि महाराज हमारे कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं, परंतु शनि जयंती पर कुछ ऐसे खास चीज है जिससे शनि महाराज को चढ़ाने से वो तत्काल प्रसन्न होते हैं। और इस साल 3 खास युग का निर्माण तो शनि अमावस्या के दिन, अर्थात दोस्तों 19 मई 2030 को शुक्रवार के दिन ये उपाय जरूर करना, आपको 100% लाभ मिलेंगे। वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। शनि जयंती के दिन किए जाने वाले उपाय बता रहा हूँ और इस दिन क्या खरीद करके लाना चाहिए ये भी जान लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय शनि महाराज जरूर लिखना। तो दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार रावण के चंगुल से शनि को छुड़ाने के बाद हनुमान जी ने उनके शरीर पर से मालिश की थी। और एक कथा के अनुसार हनुमान जी महाराज शनि को दंड देने के बाद तेल की मालिश की थी। ये कथा कहीं ना कहीं किसी ना किसी पौराणिक एक घटना से जुड़ी है, परंतु हनुमान जी महाराज ही शनि महाराज के शरीर पर सरसों के तेल का मालिश किया था और शनि को दर्द से मुक्त किया था। तभी से शनि देव पर सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा है, तो शनि जयंती पर शनि महाराज को सरसों के तेल का अभिषेक जरूर करना। दोस्तों, इससे आपके दुख दर्द परेशानी दूर हो जाते हैं। परंतु किस तरह से शनि महाराज को सरसों का तेल भेंट करना है वो थोड़ा सा जान लीजिए। अगर आपके जीवन में बहुत तनाव है, आप जीवन में सफल व्यक्ति नहीं बन पा रहे, जीवन में आपके बहुत ज्यादा संकट है, कष्ट चेहरे है, तो काम करना, शनि जयंती के दिन आप अपने सामने में एक कटोरी में, कांच की कटोरी में सरसों का तेल रख लेना और आपको अपने चेहरे को उसमें देखना है, अर्थात को अपनी जो छाया है तो उससे आपको सरसों के तेल में पड़ने देना है। इसके बाद इस सरसों को तेल को जाकर के शनि महाराज को आप जो है तो दोस्तों कैसा भी आपके संकट और छाया दान करने से, सरसों के तेल का छाया दान करने से शनि महाराज सारे कष्टों को, संकटों को केवल एक ही उपाय से, शनि उपाय करेंगे, दूर कर देंगे। चुकना मत, उपाय जरूर करना। इसके बाद दोस्तों, शनि के पौधे को शनि देव का पौधा समझा है और इसके साथ ही समझा जाता है कि भगवान शिव को भी शनि चढ़ाने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं।
इसके फल पत्ते जड़ चढ़ाने से शनि महाराज प्रतिकूल जो आपके जीवन में समय उसे आपके अनुकूल कर देते हैं, अर्थात विपरीत समय को आपके अनुरूप है और आर्थिक तंगी से जल्दी छुटकारा मिलता है। शनि जयंती के दिन अगर कोई व्यक्ति कोई उनके भक्त सच्चे मन से शनि महाराज को अगर शनि के फूल चढ़ाएं, उनके पत्ते चढ़ाएं तो आर्थिक तंगी अर्थात गरीबी से तत्काल छुटकारा मिलते हैं। नीले फूल शनि महाराज जो है नीले रंग से संबंधित नहीं होता है, इसलिए उन्हें नीले रंग का फूल अति प्रिय है। शनि जयंती पर जैसे कि अपराजिता नाम के पौधे हैं, शनि के फूल हैं, आग के फूल हैं, ये शनि महाराज के श्री चरणों में कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में तरक्की के सारे रास्ते खुलते हैं, नौकरी में चली परेशानी दूर होती है। और हमने तीनों बताए, ये तीनों नीले कलर के फूल फूलते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो शनि जयंती के दिन एक जटा वाला नारियल 100 ग्राम, काले तिल 100 ग्राम, उड़द की दाल और एक कील, अर्थात आपको एक नुकीला वाला कील लेना है। इसे काले कलर के कपड़े में बांध कर के शनि चालीसा का पाठ करते हुए, शनि महाराज का ध्यान करते हुए, शनि महाराज नाम लेकर के बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। परंतु आप अपने शरीर से इसका 7 बार उतारा कर जीवन में चली परेशानी दूर होते हैं, धन की वृद्धि बढ़ती है, नजर 2 से भी छुटकारा मिलता है। ये कारगर उपाय है, 100% लाभ ही लाभ देता है। अगर किसी के जीवन में तरक्की रोक चुका है तो ये उपाय करा सकते हैं। काले तिल और काली उड़द का उपाय भी सुन लीजिए। तो काले तिलकारक शनिग्रह कहते हैं कि शनि की पीड़ा से राहत पाने के लिए शनि जयंती पर अर्थात शनि जरूर शनि देव को एक मुट्ठी काले तिल और काली जरूर चढ़ाना चाहिए, फिर काले तिल का दान भी करें। इससे राहु, केतु और जो शनि संबंधी जो दोष है आपके जीवन में, जिसके कारण तरक्की नहीं मिल पाती, जीवन में बहुत परेशानी आती है, वो सब दूर होते हैं। अब चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि शनि जयंती पर क्या नहीं खरीदना चाहिए। अधिकतर लोग ज्ञानवश, अज्ञानवश या फिर शनि जयंती पर उन्हें नहीं मालूम होता और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खरीद करके अपने घर में आते हैं, फिर जीवन में बहुत ज्यादा तनाव पैदा होती है। इसलिए शनि जयंती पर कुछ ऐसी चीज है जिसे हमें घर में खरीद करके नहीं लाना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा भी रुष्टा होती है और शनि महाराज की कृपा दृष्टि की बजाय हमें उनकी कुदृष्टि का सामना करना पड़ता है। तो भारतीय समाज में यह परंपरा लंबे समय से चले आ रहे हैं कि लोग लोहे घर में खरीद करके लाते हैं, तो शनि जयंती पर लोहे का बना सामान खरीद करके मत लाना। सामान का इस दिन क्रय विक्रय शनि जयंती के दिन मत करना। हाँ, लोहे के में आप जो है कुछ मैं वीडियो की आखिरी समाप्ति में बताऊंगा खरीद करके ला सकते हैं। कुछ चीज है और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे खरीद करके नहीं लाना है, मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में भी बताऊंगा। परंतु लोहे के सामान खरीदने से इस दिन बचना। और हाँ, इस दिन आप जो है लोहे का दान कर सकते हैं। पहले एक दिन पहले आप जो लोहे खरीद कर लोहे का दान करने से शनि महाराज के कैसा भी 2.5 या 10 आचार्य जीवन में परेशानी वो सारे समाप्त होते हैं। इस दिन तेल खरीदने से बचना चाहिए। हालांकि तेल का दान इस दिन सत्य है, परंतु दोस्तों काले श्वान को सरसों के तेल से बना अगर हलवा खिलाते हैं, अर्थात काले कुत्ते को सरसों के तेल का बना अगर इस दिन हलवा खिलाते हैं, तो शनि महाराज की कैसी भी दशा चली होती है वो टल जाती है। और ज्योतिष के अनुसार शनिवार को अगर शनिवार के दिन पड़ते हैं, शनि एक दिन नहीं करते तो शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। सरसों या किसी पदार्थ का तेल खरीदने से ये शरीर में रोग बढ़ाता है, अर्थात आपके जीवन में रोग लाता है। दोस्तों, इस दिन नमक भी खरीद करके नहीं लाना चाहिए। नमक हमारे का सबसे अच्छा अहम हिस्सा है, हम सब जानते हैं। आप एक दिन पहले भी ला सकते हैं। अगर इस दिन नमक ना खरीद करके लाते हैं तो बेहतर होता है। आप शनि जयंती के दिन घर में नमक खरीद करके लाते हैं तो घर में कर्जा बढ़ता है, रोग बढ़ता है, इसलिए इस दिन नमक नहीं खरीदना चाहिए। कैंची है, कैंची ऐसी चीज है जो कपड़े, कागज आदि को काटने में सबसे ज्यादा हम सब इस्तेमाल करते हैं। पुराने समय से ही कपड़े के कारोबार, टेलर आदि जो है शनिवार के दिन नए कैंची नहीं खरीदते, टेलर का काम करते हैं, तो इस दिन नई कैंची ना खरीदे, धार हथियार है, इसे भी इस दिन खरीद से बचना चाहिए।
चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दान के बारे में बता रहा हूँ कि शनि जयंती पर कुछ ऐसी चीजें जिनका आप दान करते हैं, ये महादान है दोस्तों, जिससे आपके जीवन में बहुत तरक्की मिलेंगे, आपको खूब प्रगति करेंगे, जीवन में खूब सारा आपको भगवान का आशीर्वाद हासिल होगा। तो जैसे काले तिल हैं, तो सर्दियों में काले तिल गर्मी के समय में आते हैं, तो काले तिल भगवान देव को बहुत प्रिय है। काले तिल क्यों चाहिए? काले तिल चढ़ाते हैं तो देखिए शनि की पहले तो दशा टलती है। अगर काले तिल का दान करते हैं तो शनि की दशा चलती है। शनि की दशा के साथ साथ दोस्तों, जीवन में अगर कुछ ऐसे अंदरूनी समस्या चल रही है जिसका कोई समाधान नहीं है, तो अगर शनि जयंती पर काले तिल का दान करते हैं और शनि महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। काले तिल का दान करने से शनि महाराज केवल प्रसन्न होते नहीं, बल्कि ऐसे साधक को सारा मन उनके वर भी प्रदान करते हैं। धन, ऐश्वर्य, भौतिक सुख, ये सारे चीज प्रदान करते हैं। मैं तो कहना चाहूँगा, शनि जयंती के दिन कदम किसी गरीब या फिर योग्य व्यक्ति को जरूर करे। इससे शनि के सारे जो जीवन में आपके बुरे समय चल रहे होते हैं वो दूर होते हैं और अच्छे समय आ जाते हैं। काले ज्योति के दिन दान कर सकते हैं दोस्तों। शरीर के लिए जितने जरूरी वस्त्र हैं, उतने ही जरूरी जूते होते हैं, खास काले शनि जयंती पर काले रंग के जूते, काले रंग के जो, इससे शनि महाराज बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो काले कलर है ये भगवान शनि को समर्पित है दोस्तों। काले कलर में कोई भी रंग रंगा लीजिए, नहीं रंगने वाला, इसलिए काले कलर को न्याय का भी कलर कहा जाता है। आपने देखा होगा काले कलर की पट्टी, जो हम सब अन्याय के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बंधा होता है, कई लोग इसलिए बोलते भी ना, अंधा कानून कह करके। तो जो काले हैं, इसमें कोई रंग को चढ़ा लीजिए, नहीं चढ़ने वाला। काले अपने आप में बहुत बड़ा पुनरंग जाते हैं, तो काले जूते का अगर आप इस समय दान करते हैं शनि जयंती पर, तो शनि महाराज ना केवल प्रसन्न होते हैं, बल्कि आपको जीवन मित्र के भांति आपके मदद करेंगे, हर क्षेत्र में आपको सफल बनाएंगे। झाड़ू का भी दान कर सकते हैं, शनि महाराज के मंदिर है वहाँ पे जाइए। दरिद्रता दूर करना चाहते हैं, जीवन में तरक्की चाहते हैं, तो झाड़ू का दान कर सकते हैं। शनि जयंती के दिन शनि महाराज का ध्यान करते हुए जो है, आप चांदी की ताबीज में डालकर के भी फोल्ड करके पहन सकते हैं, इससे आपको कभी भी बुरी नजर नहीं लगेंगे। और ऐसा भी समझा जाता है, जो सादा कौआ के पंख धारण कर, तंत्रों में लिखा है कि उसे काक तंत्र एक तंत्र है, बहुत सारा काक के बारे में तंत्र लिखे हैं, तो इसमें स्पष्ट बताए हैं कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी शनि की फिर सड़े साथी जो है कभी नहीं सताती। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि शनि जयंती पर मैं बहुत सारे सामग्री बताएं, और जो सामग्री आपको बंद पड़े वो जरूर खरीद करके लाना, आपकी जीवन में खूब तरक्की होंगे। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिले तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर। आपकी के शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है, तो हम ज्यादा जुड़ेंगे आप सभी से किसी नए और एक अच्छी जानकारी के साथ। आज की जानकारी बस इतना ही, धन्यवाद।